पकड़ लिया गया और उसके बाद उसकी धुनाई भी हुई। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने चोर को छोड़ दिया और उसके बाद चोर मौके से फरार हो गया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में मछुआरों ने गंगा नदी में मछली पकड़ने के लिए जो जाल लगाया था उसमें मछली की जगह एक मगरमच्छ फंस गया। जाल में मगरमच्छ फंसने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंच गए मगरमच्छ को देखने के लिए। मगरमच्छ लगभग 7 फीट लंबा है और इसके बाद इसकी सूचना साहेबपुर कमाल थाना पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन को दी गई। टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया है और अधिकारियों ने बताया कि मगरमच्छ को गंगा नदी में ही छोड़ दिया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने पटना में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। बेली रोड पर बने कई सिग्नल को बंद कर दिया गया है। अब चिड़ियाघर की ओर जाने वाली गाड़ियां आईपीएस मेस से टर्न लेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद इनकम टैक्स से लेकर चिड़ियाखाना तक कहीं भी सिग्नल नहीं रहेगा। इस कारण गाड़ियों का फ्लो भी बढ़ गया है। लोगों के सड़क पार करने वालों को समस्या न हो इसके लिए बेली रोड पर 3 जगह अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसमें एक हड़ताली मोड़ और दूसरा विकास भवन के पास होगा। तीसरा अंडरपास के लिए लोगों से राय ली जाएगी। आज आईपीएस मोड़ के निकट, राजवंशी नगर के निकट एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक सिग्नल जो यहाँ पर तिराहा था इसको आज बंद किया गया और इसके परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि यहाँ से दाहिने ओर राजभवन जाने वाले वाहन अब थोड़ी दूर लगभग 50 मीटर आगे जाते हुए दाहिने मुड़कर जाएंगे और जो यहाँ से बाईं ओर जो गाड़ियाँ जाती हैं वो तो पहले से भी खुल थी और यहाँ से जो सचिवालय जाने वाले जो दाहिने ओर जो जितने भी ट्रैफिक हैं उसके लिए आगे से मंदिर के ठीक आगे ऑलरेडी यू टर्न की व्यवस्था पहले से की गई। हम लोग बहुत जल्द एक ऐसी व्यवस्था भी करने वाले हैं जिसमें कि पैदल लोगों के लिए सिर्फ पैदल लोगों को सड़क के जंक्शंस पर। असम के लोग आतंकित हैं, सरकार एनआरसी पर फिर से विचार करे, ये बातें आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी एनआरसी को लेकर आंदोलन करेगी। नरेंद्र मोदी लोगों को पहले तक आता पाकिस्तान भेजेंगे, अब एनआरसी में नाम कर दिया, अब सब यहाँ के लोग को समुन्द्र में